आज और कल के एपिसोड्स में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो शायद 5-10 मिनट के वीडियो में पहली बार की जा रही हो। आपको लगेगा कि पाकिस्तान से इसका क्या नाता, लेकिन जितना इसका पाकिस्तान से नाता है उतना तो पाकिस्तान की जनता का भी पाकिस्तान से नाता नहीं है। इसलिए गंभीरता दिखाएं, धैर्य दिखाएं और धैर्य से देखें। केवल 10 मिनट ध्यान दें, बस शायद आपको पाकिस्तान से लेकर हर सवाल का जवाब मिल जाए। आपने भारत में अक्सर देखा होगा कि जब कभी भी फिलिस्तीन का मुद्दा गर्माता है और अरब देशों का इजराइल से झगड़ा होता है तो धमाका वहां होता है और झटके भारत में महसूस किए जाते हैं। ऐसा क्यों? ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की परंपरा बहुत पुरानी है, कम से कम 1300 साल पुरानी। पिछले एपिसोड में हमने मिस्टर एक्स के बारे में जाना, आज हम देखते हैं कि दुनिया का पहला मिस्टर एक्स कौन था। ये समय था सन 661, जब सुन्नियों के चौथे खलीफा और शियाओं के पहले इमाम हजरत अली की हत्या कर दी गई थी और अब पैगंबर मोहम्मद के जानी दुश्मन अबू सुफियान के बेटे मुआविया ने उमैयद राजवंश स्थापित किया। उमैयदों ने मजहब को हथियार बनाकर दुनिया पर राज करने का इरादा किया। इस बेईमानी के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ जो भी कर्बला में हुआ उसे आज भी मुहर्रम के दिन हम याद करते हैं। ये एक ऐसा हादसा था जिसकी वजह से आध्यात्म के रस में राजनीति के विष की एक बूंद पड़ते ही सारा का सारा पंथ जहर हो गया और धीरे धीरे दूसरे पंथ भी उतने ही जहरीले होते चले गए। लेकिन विडंबना देखिए, विरोधाभास देखिए, जिसने जुल्म किया, जिसने जुर्म किया, उसी ने अपना राज फैलाने के लिए अपनी उसी हरकत का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल भी कर लिया और किसी ने चू तक नहीं की। पैगंबर मोहम्मद सिखा गए थे ईमान के सच्चे लोग भाई भाई। उमैयदों ने उसे बना दिया दिखने लिखने बोलने में जो लोग अरबी हों वो सब भाई भाई। इसी के साथ साथ यूरोप में उससे भी ज्यादा हास्यास्पद घटना घटी। जिस रोम ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था उसी ने ईसाइयत को अपना हथियार बना लिया अपना राज फैलाने का और अपना राज चलाने का। तो अब मुस्लिम जगत था वो जो ईमान का सच्चा हो चाहे ना हो, पर उमैयद सुल्तान का सच्चा वफादार नौकर जरूर हो, उसके सामने सर झुकाए। उसी तरह से ईसाई वो था जो किसी न किसी तरह से रोमन सम्राट के काबू में हो। कालांतर में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया और राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल हो गई और ये बन गया बाइजेंटाइन साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कुस्तुनतुनिया कहते थे। तो अब तथाकथित मुसलमानों की राजधानी थी दमिश्क, डमास्कस, जहां उमैयद राज करते थे, और तथाकथित ईसाइयों की राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया। आध्यात्म आदमी की सोच ही नहीं, उसकी चेतना भी बढ़ाता है, उसे फैलाता है। दो अंग्रेजी के शब्द हैं, एक्सपेंडिंग कॉन्शियसनेस, चेतना का विस्तार। इसीलिए आध्यात्म में मतभेद नहीं होते। अगर कोई मतभेद होता भी है तो प्रकट नहीं होता, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होती। लेकिन राजनीति पैदा ही होती है मतभेद से, और एक बार राजनीति पैदा हो जाए तो मतभेद भी पैदा होते चले जाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देख लिया है कि पूरब ने राजनीति और रिलीजन यानी पंथ को कभी आपस में नहीं मिलाया, लेकिन उमैयदों और बाइजेंटाइन सम्राटों की बदौलत इंसान के इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा पैदा हुआ, पंथ यानी रिलीजन और राजनीति का मेल। इसके लिए ये लगातार जनता को समझाना जरूरी था कि जो राजा है वही भगवान है। और पिछले एपिसोड्स में जिस मिस्टर एक्स की बात हमने की थी, वो मिस्टर एक्स जैसे लोग बन गए भगवान के एजेंट। जनता को दिखता रहा कि वो ईश्वर के एजेंट हैं, लेकिन असल में ये ईश्वर कोई और ही था, और वो ईश्वर तो कुछ नहीं देता था, ये ईश्वर मिस्टर एक्स को तनख्वाह देता था और हर तरह की मदद भी। इस तरह से मिस्टर एक्स बन गए राजा के एजेंट, सुल्तान के एजेंट। तो ये थे दुनिया के शुरुआती मिस्टर एक्स। इस रिलीजन यानी पंथ और राजनीति की बेमेल शादी का फल ये हुआ, चेतना वेतना
कॉन्शियसनेस वगैरह गई भाड़ में, लोगों का खुलकर सोचने और खुलकर बोलने तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रोक लगा दी गई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आजादी मिलते ही आदमी मिस्टर एक्स के काबू से बाहर हो जाएगा और राजा धड़ाम से जमीन पर आ गिरेगा, और फिर जो दूसरा राजा है वो थोड़ी ना दया दिखाने वाला है। तो मिस्टर एक्स राजा की नौकरी करते थे और उनका काम था राजा के लिए वफादार नौकर बनाना, और सिर्फ नौकर ही नहीं, राजा के लिए सस्ते सिपाही भी बनाना, जो धर्म के नाम पर मुफ्त में जान ले भी सकें और जान दे भी सकें। आध्यात्म से बिल्कुल उलट, राजनीति का पहला सबक होता है एकता, और एकता ही राजनीति की असली ताकत भी होती है। जितनी एकता उतना ताकतवर राज, जितना ताकतवर राज उतना ही ताकतवर राजा। तो मुस्लिम जनता में एकता मुस्लिम राजाओं का दायित्व ही नहीं, उनका अपना स्वार्थ भी था। मुस्लिम जनता में एकता का सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा पहुंचता था तो वो था सुल्तान, और ये काम था मिस्टर एक्स का कि वो सुल्तान की सल्तनत को ताकतवर बनाते जाएं। तो अब मिस्र और फिलिस्तीन के आसपास मुकाबला था मुसलमान और ईसाइयों के बीच में। इनके आपस के झगड़े से कट्टरता गहराती गई और दुनिया भर के ईसाई राजाओं और सुल्तानों के बीच में भी झगड़े होते रहे, जिसकी जद में सारी दुनिया आ गई। तो इसीलिए इस दौरान जहां जहां मुसलमान और ईसाई जनता बनी, कट्टर ही बनी। भारत और पूरब के लिए ये सब कुछ नया था। आज तक कई भारतीयों के लिए ये बचपना नया ही है, और इसीलिए वो धर्म निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म की आड़ में पनप रहे खतरे को नहीं देख पाते हैं, बावजूद इसके कि वो पहले ही 1000 साल की शर्मनाक गुलामी झेल चुके हैं। ये लोग मिस्टर एक्स के कारनामों से आज तक अनजान है। तब सुल्तान की राजधानी दमिश्क में थी, तो मिस्टर एक्स जैसे लोगों ने सारी दुनिया में भोली भाली मुसलमान जनता को बताया कि सब मुसलमानों की राजधानी दमिश्क है। फिर जब बगदाद राजधानी बनी तो तनख्वाह बगदाद से आने लगी। तो अब मिस्टर एक्स कहने लगे कि आज के बाद बगदाद की जय हो। भारत में रहने वालों को बताया गया कि भारत मां नहीं, सुल्तान की जागीर है। बाहर से जो भी भारत पर कब्जा करने आए उसका स्वागत हो, उसकी जय हो, उसकी विजय हो, जिसको हम आज कहते हैं गजवाए हिंद, मतलब भारत पर कब्जा। इसीलिए और इसीलिए हमलावरों को मिस्टर एक्स जैसे लोग हीरो बनाते रहते हैं। वो चाहे महमूद गजनी हो या मोहम्मद गौरी हो या तैमूर हो, नादिर शाह हो या अब्दाली हो, जिसने भारत पर हमला किया, और चाहे उस हमलावर ने यहां के रहने वालों पर तरह तरह के जुल्म ढाए हो, वो हीरो है क्योंकि वो मुसलमान है, और मुसलमान भी नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो मिस्टर एक्स को पैसे दे रहा है। पहले 1400 साल में मिस्टर एक्स को जिन जिन्होंने तनख्वाह दी है वो थे अरब, फारसी, तुर्क और मंगोल। इसलिए कैसा भी अड़ियल सड़ियल अरब, फारसी, तुर्क या मंगोल हो, वो हीरो है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मानसिकता के लोगों को अरब, तुर्क और मंगोलों से प्यार होता है। इस प्यार की जड़ में है मिस्टर एक्स के दिए हुए संस्कार। और जो पाकिस्तानी मानसिकता के कुछ गिने चुने लोग भारत में रह गए हैं, उन्हें पड़ोसियों के घर में गमी का उतना दर्द नहीं होता जितना फिलिस्तीन में इसराइल के हाथों अरबों की दुर्गति का होता है। इनकी सोच के लिए इन्हें इसलिए माफ किया जा सकता है क्योंकि गुनहगार ये नहीं, गुनहगार है मिस्टर एक्स और उनकी शिक्षा। तो असली मुजरिम है मिस्टर एक्स। अब तक तो आपको शायद समझ में आ ही गया होगा कि मिस्टर एक्स कौन है। तो कमेंट कीजिए और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा ये चैनल हिस्ट्री गुरु। धन्यवाद।